आप कहते हैं गुरु अस्तित्व है शरीर नहीं, इसका क्या मतलब है? तुम शरीर हो क्या? जब तुम खुद ही शरीर नहीं हो तो गुरु को कैसे शरीर मान लिया? तुम शरीर हो तो तुम चेतन हो, तो तुम चेतन है, गुरु जड़ शरीर है। कमाल की बात। गुरुदेव मैं क्या हूं और अस्तित्व क्या है? बस ये अच्छा है, मैं क्या हूं यहीं पर रुक जाओ, इसी में गहराई में जाते जाते फिर ईश्वर का पता लग जाए। पहले मैं तो अपने पास, तुम तो हो ना, तुम हो ना, तो मैं क्या हूं पता लगा लेना पहले, बाद में ईश्वर का पता लगा लेना। क्या जची बात अच्छी लगी? फिर ऐसा नहीं कह सकते ईश्वर नहीं है जब तक हम सिद्ध नहीं करते, ये भी नहीं कह सकते है ईश्वर है, ये तो तुम्हें नहीं पता, मगर ईश्वर नहीं है ये भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? हमें तुम्हें पता नहीं ईश्वर होंगे कि होंगे, तुमने कभी खोजा नहीं ईश्वर को। तो मैं का पता है, अभी थोड़ा सा पता है, पूरा तो पता नहीं, ईश्वर का तो बिल्कुल नहीं पता, कुछ अनुमान लगता है। जैसे कहीं दूर, अभी कल हम बैठे थे यहाँ गंगा किनारे, वहाँ दूर से धुआं निकल रहा था, वो धुआं को देख के हमने क्या सोचा, अच्छा वहाँ आग लग गया, आग तो नहीं दिखा दी, तो धुआं को देख के आग का हमने अनुमान लगा लिया ना। इसी तरह की सृष्टि में सब कुछ स्वयं चालित है, एक नियम से चल रही है, उस नियम क्या है उसको हमने ईश्वर कह दिया। नियम को या नियामकता को हम ईश्वर कहते, ये अनुमान से सिद्ध हुआ, सीधा तो नहीं पता चला, जो अनुमान से सिद्ध हुआ फिर अनुभूति करने लगे उसमें। समझ में आई बात? तो अनुभूति के लिए पहले मैं कौन हूं समझना पड़ेगा, मैं कौन हूं ये पूछते पूछते फिर वो भी अनुभूति होने लगती है, अनुमान से अनुभूति में उतरते हैं, तब ज्ञान पक्का हो जाता, तब कहते हैं सर्वम खलु विदम ब्रह्मम, यह सब जो मैं हूं वही ये सब कुछ है, जो मैं हूं वही ये सब कुछ है, मैं तो ब्रह्म हूं और ये सब कुछ भी ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? जो सत्य है, जो अनंत है, आकाशवत है, ध्यान और ज्ञान से और विश्वास से प्राप्त होता है। गुरु जी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे बीज स्वरूप को जानकर पहचानकर एक बार मेरा नाम लेता है उसे मैं मोक्ष देता हूँ, वह बीज स्वरूप का संकल्प क्या होता है? सच्चिदानंद मेरा स्वरूप, मैं क्या हूँ? शरीर नहीं हूँ। कृष्ण ने भी बोला अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाशिता, ये मूढ़ लोग मुझे गलत जानते हैं, मुझे शरीर में मनुष्य समझते हैं, देहदारी मनुष्य समझते हैं मुझे, परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम, मेरे उस भाव को उस स्वरूप को ये लोग जानते नहीं हैं, ये भूतों के अधिपति है, इस ज्ञान को कोई जानता नहीं, ये बात बोला। तो जैसे तुम शरीर हो क्या, लोग समझें तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तेरा मन को किसी ने देखा है? अरे तू खुद नहीं देखा कोई और, किसी और की क्या बात है, और ने तो तुम्हारा मन को देखा ही नहीं, जांखा ही नहीं, तुम जरा बैठ के देखो तुम्हारे मन क्या है, वो तो कुछ नहीं है, मस्ती है, आनंद रूप। गुरुजी सिंदूर लाल रंग का क्यों है? दूसरा किसी रंग का बना तब भी पूछ लोगे आप ये प्रश्न? ये पीला क्यों बना? क्योंकि लाल नहीं बना तो पीला बना। सिंदूर लाल बना है ताकि तुम लाल हो ये बताने के। जो तुमको अपना लाल या लाला समझते हैं तभी ना सिंदूर लगाते हैं। कोई दुश्मन समझ के तुम्हें सिंदूर नहीं लगाते हैं।
है ना, भगवान के तुम लाला हो या लाल हो, लाल हो। पहले एक क्या करते थे, हल्दी में जब नींबू निचोड़ते थे तो वो लाल रंग बन जाता, उससे सिंदूर बनता। तो ये होली में तो सब तरह का रंग चलता है, हरा पीला। गुरु जी, मैं उतना उपयोगी नहीं हूँ, इस विचार से मन बहुत परेशान रहता है, कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मैं इससे बाहर निकल सकूं। अच्छा, तुम यूजलेस हो, मान जाओ। क्यों अननेसेसरी व्हाई यू ट्रबल योरसेल्फ, मान जाओ मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ। तुम्हारा अहंकार मानने नहीं दे रही इस बात को, इसके तो मैं भी कुछ हूँ, मैं यूजफुल हो जाऊँ। अहंकार का ही बड़ा ये कहता मैं यूजफुल रहूँ, और ये भी अहंकार है कि मैं यूजलेस हूँ। दो तरह का अहंकार, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ ये भी अहंकार है, और मैं बहुत यूजफुल हूँ या यूजफुल बनूँ ये भी एक तरह का अहंकार है। इसमें यूजफुलनेस में एक और बात यह है, एक तरह से अच्छा है ये प्रश्न मन में बना रहे, मैं कैसे और यूजफुल रहूँ, मैं कैसे और उपयोगी बनूँ। इस प्रश्न तुमको जीवन में सेवा के लिए प्रेरणा देने लगेगा समय समय पर। तो एक तरह से ये प्रश्न अच्छा है, मैं कैसे और उपयोगी बनूँ, मैं कैसे और उपयोगी। मान लो ये प्रश्न यदि नहीं होता तो एक और प्रश्न आ जाएगा, मैं क्या हासिल करूँ, मैं औरों से क्या मांग, ये हो जाए। इस मनोदिशा से बेहतर है मैं कैसे और अधिक यूजफुल रहूँ, नहीं बनाए रखना। से कैसे बाहर निकले या अंधश्रद्धा आती कैसी है? श्रद्धा ही आंख है, तो अंधश्रद्धा शब्द ही बेकार है। तुम्हारे में श्रद्धा होगी या नहीं होगी, तुम्हारे पास अंधश्रद्धा मान वाली चीज कोई चीज होगी कि नहीं, असंभव है। किसी और की श्रद्धा को तुम कह सकते हो अंधश्रद्धा, मगर उनके लिए वो श्रद्धा है। तुम अपने जेब में कभी भी अंधश्रद्धा नहीं रख सकते, तुम अपने पास अंधश्रद्धा रख ही नहीं सकते, असंभव है। औरों के श्रद्धा को कहना ये अंधश्रद्धा है या ठीक श्रद्धा है ये आपका कोई अधिकार ही नहीं। पहले हल्दी लगाया करते थे, हल्दी लगा के समझते थे कि बहुत अच्छा है, जैसे गोबर का उपाय करते थे घर के सामने सोच के, फिर उसके ऊपर रंगोली वगैरह डालते थे, फूल वगैरह रखते थे। कितने लोग उनको कहे कि ये तो अंधश्रद्धा है, मगर बाद में निकला कि उसमें कुछ तथ्य है, बड़ा डिसइंफेक्टेंट। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में हो, जब भी एक श्रद्धा टूटती है तब लगती है ये अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा वर्तमान की वस्तु नहीं हो सकती, वर्तमान का सिद्धांत नहीं हो सकता, ये भूतकाल का सिद्धांत हो सकता। जब तुम्हें ज्ञान मिलता है किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के बारे में, और उसके बारे में जो अज्ञान या गलत धारणा था तुम्हारे पास वो टूटता है, तब तुम कह सकते हो था। अंधश्रद्धा वर्तमान की वस्तु नहीं हो सकती, वर्तमान का सिद्धांत नहीं हो सकता, ये भूतकाल का सिद्धांत हो सकता। जब तुम्हें ज्ञान मिलता है किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के बारे में, और उसके बारे में जो अज्ञान या गलत धारणा था तुम्हारे पास वो टूटता है, तब तुम कह सकते हो वो श्रद्धा, वो धारणा, वो गलत, वो अंध। तो इसीलिए अंधश्रद्धा को रख नहीं सकते। जो श्रद्धा अभी नहीं रहा उसको हम कह सकते वो अंधश्रद्धा। जब इतना जान लिया आगे बढ़ी गए, आगे निकल गई गाय, नहीं?